बनारसी साड़ी का नया शोरूम उद्घाटन के दौरान पहुंचे भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल व पद्मश्री सम्मानित माननीय अवस्थी हवन पूजन कर शोरूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान 7 गरीब दलित महिलाओं को साड़ी वितरित कर सम्मानित किया गया। यह शोरूम सिगरा के जयप्रकाश नगर में खोला गया है। होलसेल और रिटेल दोनों तरीकों की सुविधाएं हैं मौजूद। कार्यक्रम के मुख्य रूप से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के संपादक अरविंद चतुर्वेदी, बनारस बनाना के निर्देशक डॉक्टर कृष्णानाथ पांडे और मैं डॉक्टर केन पांडे, डायरेक्टर बनारस बनाना। पांडे जी, शोरूम का बनारस में उद्घाटन हुआ जी, ये बनारस बनाना अलग कॉन्सेप्ट का शोरूम है और बनारस में ऐसे शोरूम शायद ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम डायरेक्ट व्यूअर से जुड़ के कम दाम में ग्राहकों को माल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज माननीय सुनील बंसल जी ने कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बनारस की 5 बहनों को उन्होंने साड़ी दिया जिसका निकट भविष्य में शादी होना है, और 5 बुनकरों को उन्होंने दुपट्टा देकर सम्मानित किया। जी, अपना परिचय बताइए। मैं प्रीति त्रिपाठी, डायरेक्टर बनारस बनाना। आज इस शोरूम का उद्घाटन हुआ है जी, आपको भी ये शोरूम? शोरूम जो है वो प्योर एक्सक्लूसिव साड़ियों का शोरूम है, प्योर की चीज़ें मिलेंगी और डायरेक्ट बुनकरों से हम सामान ले रहे हैं और बुनकरों को डायरेक्ट खाते में पैसा दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में बुनकरों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो उनके लिए कुछ अलग से काम करने की इच्छा हुई हमारे मन में, तो इस कॉन्सेप्ट को लाया गया है। दूसरा, इतना सुंदर वो उनकी कारीगरी है, इतना सुंदर वो काम करते हैं, पर उनके काम का कहीं उनको मोल नहीं मिलता है, तो बहुत कोशिश है कि हम उनके काम का उनको मोल दें, क्योंकि एक एक साड़ी एक गहने की तरह है, इतना अच्छा उनका काम होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बनारस का पूरा साड़ियों का अड्डा कहा जाता है, बनारस में तमाम दुकानें हैं साड़ी की, इस शोरूम के खुलने पर आम लोगों में क्या संदेश जाएगा और इस शोरूम में क्या अंतर हुआ? इस शोरूम में ये अंतर है कि पूरे बनारस की चुनिंदा कारीगरी इस शोरूम में रखी गई है और हर चीज़ प्योर है, ये 2 इसकी विशेषता है। तीसरी कि बुनकरों से सीधे सामान हम ले रहे हैं, इसमें बीच की बात नहीं है, तो मार्जिन भी बहुत अच्छी है, मतलब रेट का भी बहुत, बीच वाली नहीं रहेंगे तो आपके रेट का भी बहुत अच्छा होता है, कि रेट में भी आप ऐसा नहीं है कि बहुत औने पौने दाम पे हम चीज़ दें, तो ये 2-3 खूबियाँ हैं इसमें कि आप सीधे जब बुनकर से लेते हैं तो आपको रेट बहुत कम पड़ता है और उस चीज़ पे के प्राइसिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है।